हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, हमने चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के पैसेज कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने 43-44 किया, अब करने जा रहे हैं 45 और 46 पैसेज नंबर। देखते हैं पैसेज नंबर 45 क्या कहता है। टू फाइंड द पोल्यूटेड रीजन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द्वारका पार्ट ऑफ दिल्ली रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल गिवन बिलो। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। It was found that the shaded region is polluted region where O is the center of circle. Okay, find the radius. अब देखो आपके पास ये एक right angle triangle है, तो आप इसमें Pythagoras लगाओ। Pythagoras क्या कहती है कि भाई hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square। आपके पास ये है 7 और AC आपके पास है 24। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 625, जो होता है 25 का स्क्वायर रूट। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका जो डायमीटर है वो 25 है, तो रेडियस इसकी आधी, तो रेडियस हो गई 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो पहली चीज आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया भी निकाल लेते हैं बच्चों। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और ये आपका कितना है 12.5 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 490.07। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से, 12.5 का स्क्वायर करो और 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात क्लियर है। अब कहा डी लाइज एट द मिडल ऑफ आर्क बी सी, जो डी है वो बिल्कुल मिडल में है इसके बी सी आर के, इस वाले के। ओके, द रीजन ऑफ सी ओ डी, जो एंगल है देखो मिडल में पूरा 180 है, तो ये आपका 90 और ये भी आपका 90 होगा। तो डी लाइज एट द मिडल ऑफ आर्क बी सी, द एरिया ऑफ रीजन सी ओ डी, तो आप इसका 1/4 निकाल दो तो जो आपका एरिया आएगा वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट है। तो टोटल में से अगर 1/4 निकाल रहे हैं, जो 490.07 आया था, तो ये आएगा 122.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आपको सिंपल क्या करना है, 1/4 पार्ट निकालना है। एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएसी, देखो ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये एक ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, सिंपल है। तो ये आ जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल आया। अब हमें निकालना पोल्यूटेड रीजन, तो पोल्यूटेड रीजन कैसे निकालें, देखो आपके पास उसने बोला इट फाउंड दैट रीजन इज पोल्यूटेड रीजन वेयर इज द सन, शेडेड एरिया जो है वो आपका पोल्यूटेड है। तो आपको क्या करना है, आप पूरे में से, यानी कि एक तो आपके पास ये है 4910.07, इसको हटा दो, यानी इस ट्रायंगल को और इस 1/4 पार्ट को हटा दोगे तो अपने आप निकल आएगा टोटल में से। अगर आप बच्चों टोटल में से शेडेड एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, तो शेडेड एरिया का जो एरिया है वो आप कैसे निकालोगे, तो टोटल 490.07 में से एक तो 122.76 को हटाओ और 84 को हटा दो, यानी कि जो शेडेड एरिया है वो क्या होगा, ये जो दो ट्रायंगल और 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है इसको हटा दो, अपने आप पोल्यूटेड पार्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आएगा बच्चों आपका 284.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेना, आसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, चलो देखते हैं पैसेज नंबर 46 क्या कहता है। क्राय बिल्डर ऑफ रेजिडेंटल प्रोजेक्ट हैपी वैकेंट स्क्वायर लैंड ऑफ साइड 21 मीटर। He wants to make a temple in the shape of semicircle and park in the shape of two quadrant of circle as shown in figure. एक स्क्वायर है जिसके साइड आपको 421 दे रखी है, तो एरिया तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, 21 × 21, तो आ जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट, आपके पास दो क्वाड्रेंट्स हैं ये और ये, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, तो देखो टू पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, रेडियस जो है वो 21 की बच्चों आधी है, सही है। तो इस 2 से आपने ये 2 काट दिया, 7 से चला गया 3, 2 से चला गया 11, तो 33 × 21 / 2,
थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स और थ्री और सिक्स, सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाय फोर, तो ये आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, फोर वन जा कितना होता है फोर, बचेंगे टू, 29, सेवन फोर जा 28, इस तरह से आप बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, ये जो टेम्पल आपको दिख रहा है सेमी सर्कुलर पोर्सन ये, तो देखो इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो निकाल देते हैं, इसका एरिया भी हाफ पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, इसकी जो रेडियस है वो पूरे की आधी होगी 21/2, तो ये हो गया। तो देखो आपके पास सेम कहानी आ रही है, बिल्कुल ये हो गया, 7 से ये चला गया, बिल्कुल वही आ रहा है जो इसका आया था, यानी कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम एरिया है, दोनों के एरिया आ गए। अब हमसे पूछा क्या, एरिया ऑफ अनसाइडेड रीजन, ये वाले तीनों पोर्शन को ऐड कर दो, यानी कि दो क्वाड्रेंट और एक सेमी सर्कल, यही तो होगा भाई। अनशेडेड एरिया मतलब अनशेडेड रीजन हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, तो सिंपल दो क्वाड्रेंट यानी कि 173.25, दूसरा भी यही है 173.25, दोनों को ऐड करोगे तो 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड शेडेड रीजन तो टोटल में से माइनस कर दो, सीधी सी बात है, शेडेड एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, तो आपको सिंपल माइनस करना है 441 में से 346.50, जो आता है 94.50। क्लियर है? तो क्या था पैसेज के अंदर, पैसेज में एक आपको स्क्वायर एरिया दिया हुआ था, उसमें से दो आपके क्वाड्रेंट हैं और एक आपका सेमी सर्कल है, जिसमें हमें पार्किंग और टेंपल, तो सबसे पहले हमने इन दोनों टोटल का एरिया निकाला, साइड स्क्वायर, दो क्वाड्रेंट के एरिया निकाल लिया और सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया, टोटल में से माइनस कर दिया, तो बच्चों आपका क्या आ गया, शेडेड एरिया। बहुत दोनों ही पैसेज बहुत आसान से उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।